रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यार बहुत करता है यार ये तुमसे, प्लीज एक चांस डिजर्व करता है। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट करती तुम कर पाते उसे माफ? दिल और विश्वास ये दोनों टूटने के लिए ही बनाए हैं। भैया देखो ना यार, मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं मिल रही, I don't know what's happening। शनाया, ये शादियाँ और ये रिश्ते ना दिलों से बनते हैं। और ये जो दिलों के रिश्ते होते हैं ना, ये नहीं टूटते हैं। He's right। रिश्ते तो दिल से बनते हैं, इन मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ी बनते हैं। ऋत्विक, आई विश तुम्हें हमारा रिश्ता भी याद रहता। तूने सेतु से बात की? जाना है नहीं, क्यों गिल्टी फील करवा रही है? रोहित मुझे सच बता, प्लीज मैं सेतु से बात कर पाऊं। लुक, आई वॉज एंग्री एंड आई वॉज ड्रंक, उससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। यार उसी रिसोर्ट में, उसी होटल में, उसी रूम में जहां पे हमने तेरी एनिवर्सरी प्लान की थी। जाना, मंगनी अटेंड कर जा। किस मुंह से जाऊं? तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी तेरा फंक्शन मैंने थोड़ा स्पॉइल कर दिया, रियली सॉरी। तू फंक्शन में नहीं आती ना तो खराब होता फंक्शन। सेतु भाभी आप ठीक हो? हाँ। पलक भाभी और रिकी भाई ने सिचुएशन संभाल ली, वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालते। पलक भाभी थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। पलक तूने बताया नहीं रोहित ने क्या बोला वो चिट्ठी को पढ़ के? सॉरी, पता इतना कुछ चल रहा है ना, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मैं अभी तक रोहित से बात नहीं कर पाई हूँ, पर मैं एब्सोल्युटली करूंगा। ओके। आपने रिकी भाई से बात की? रिकी से क्या बात कर? रिकी भाई को याद है कि उनकी डैड से किसी लड़की के लिए लड़ाई हुई थी, लेकिन उनका फेस उन्हें याद नहीं। सो आप अगर उनसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी बात करोगे तो हो सकता है उन्हें सब कुछ याद आ जाए। यू नो ट्राई करने में क्या बुराई है? पॉइंट है, पॉइंट है। भाभी मैं एक मिनट में आया। ओके अंदर बहुत क्राउड है ना तो डस्ट एलर्जीज हो जाती है मुझे इसलिए बाहर आ गया। That's why. अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें डांस करते हुए देख के, बहुत तसल्ली मिली मुझे। रियली? या तसल्ली की मुझसे बुरा भी कोई हो सकता है। वैसे मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा है अपनी और भी गर्लफ्रेंड्स के साथ। एक वो जो गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी जिसके लिए तुमने अपने डैड से लड़ाई की थी, वो लड़की। यू थिंक इट्स फनी? नहीं फनी लग रहा था ना। यू थिंक इट्स, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें याद नहीं होगा जिसके लिए तुम अपने डैड या मॉम के साथ लड़ाई करो? नहीं है याद मुझे, व्हाई कांट यू गाइस जस्ट Understand, it's not funny. मेरे को नहीं है यार चीजें, okay? उसको जाके उसको खरीदना बंद करो, सबके सब। Fuck. I'm sorry. अरे सुबह से सब पीछे पड़े हुए हैं यार, कौन है ये लड़की? भाई आप ठीक हो? तू भी बैठ जाना मेरे सर पे आके, सबके सब सर पे बैठ जाओ यार मेरे। I don't remember shit.
Ritwik, I'm sorry. मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हें जनरली क्यों यार पुत्र? आप बताओ ना डैड क्या हुआ? क्विज बना के रख रखी मेरी जिंदगी आप लोगों ने यार, मेरी गलती कि मुझे कुछ याद नहीं है? हाँ, जानबूझ के भूलोगे यार मैं सब कुछ, जिंदा हूँ बहुत नहीं है क्या आप लोगों के लिए? पीछे पड़ गए हो यार, नहीं याद मुझे कुछ भी, क्या करूँ मैं? याद करो याद करो याद करो, नहीं हो रहा है यार, बख्श दो मुझे यार। आप तो सिर्फ याद ही करा रहे हैं ना, आपको खजाने का मैप ढूंढने तो नहीं कह रहे राइट? अपने बारे में याद करने के लिए कह रहे हैं। आपको ये तक याद नहीं कि आपने अपने पापा से लड़ाई की थी अपनी बीवी के लिए? आपको याद है कि आप शादीशुदा है? शिवी Vakshivi, I love you, man. Thanks, I needed it. Paul ko kaise sahi karte dekho batao. Yaar, Ritwik Noor is married. Bacche bhi honge phir tumhe. Dekhi putar, Shivam sahi keh raha hai. Really? So, meri shaadi ho chuki. Kiske saath? मुंह क्यों लटके हो तुम लोगों के? किसके साथ ब्रो? कौन है? एनी आईडिया? सो मैं अज्यूम कर लेता हूं बिकॉज आप लोग तो मुझे कुछ जवाब देने के लिए राजी नहीं है राइट? सो लेट्स अज्यूम कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल से मैं कोमा में था करेक्ट? कहाँ है वो? क्या होनी चाहिए थी ना? बढ़िया तो नहीं है, आप हो, अमन है, सब लोग हैं, ये लड़की कहाँ है? I'm sure मुझसे कोई गलती हुई होगी क्योंकि आज मैं यहां पर हूं और वो लड़की यहां पर नहीं है, मतलब पड़ी होगी किसी और की बाहों में, सोई होगी किसी और के बिस्तर पे। और अगर इतना ही है तो जब मैं कोमा से बाहर आया था तब क्यों नहीं बताया आप लोगों ने मुझे? आपको क्या लग रहा है कि मुझे दिखता नहीं है? हाँ माँ, क्या आप लोग कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करो? जब से मैं उठाऊं तब से बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? और आपने कहा था ना गोल्ड डिगर है, द ओनली गोल्ड डिगर आई नो इज माय मदर, जो तुम छोड़ के गई थी मुझे जब यू नो। और अगर ये लड़की गोल्ड डिगर है तो अच्छा है, शी इज आउट। मैं माफी मांगने को तैयार हूं सर, मैं माफी मांगता हूं कि हाँ यार मैं गया कोमा में, मैं मर गया। Move on, please. अगर कोई लीगल मैटर है डैड, आई विल सॉर्ट इट। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ यार। We'll sort it out. Let her be. She's gone. She's moved on. मुझे भी move on करना है यार लाइफ में। नहीं चाहिए मुझे ये responsibility। तो मुझे याद नहीं आ रहा, ऊपर से आप लोग प्रेशर डालते जा रहे हो। क्या चाहते हो? कोमा में वापस चले जाओ? अब तो मुझे ऐसे लगने लग पड़े कि मैं वापस आया क्यों यार, मर जाता हूँ साला उस एक्सीडेंट में। देखो गाइस, आई एम डन, ओके? अब डैड आप जो बोलोगे और जैसे बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, ओके? आप जहाँ साइन करने को बोलोगे मैं वहाँ साइन कर दूँगा, आप जहाँ जाने को बोलोगे मैं वहाँ चले जाऊँगा, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे। माँ देखो, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ज़िंदा रखने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी, मैं नहीं जानता कि डैड आपने क्या क्या बेच के मुझे ज़िंदा रखा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो यार, ऐसी 100 जिंदगी हम कुर्बान है आपके लिए यार। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो,
जिसको फ्री करना है उसको फ्री करो. मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, प्लीज मुझे बस आप लोग चाहिए. रिकी, आज मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, सच सच बता दूंगा. तुम आजाद हो ऋत्विक, और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर कोई रिश्ता होता तो तुम्हें याद होता, और रिश्ते ना दिल से बनाए जाते. अगर दिल ही गवाही ना दे तो कैसा रिश्ता. आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कार्तिक के पेरेंट्स को कौन अटेंड करेगा? Guys, this is really not done. Please अंदर चलो. They all waiting, guys. Come in, come. Yeah? जा. आप लोग सब क्या कर रहे हो? शनाया की एंगेजमेंट है ना आज. तुम सही हो ऋत्विक, तुम बिल्कुल सही हो. अगर कोई रिश्ता होता तो तुम्हें याद होता. वो तुम्हारे पास होती जब तुम आंखें खोलते, तो तुम्हारे सामने होती और तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में बताया जाता. If she has moved on, तो हम तुम्हें क्यों गिल्ट में डालें, right? Let's pop a champagne. बेटा, मैं तुम्हारी पूजा करूं या तुमसे माफी मांगूं, मेरी समझ में नहीं आता. मैं रूम में जाती हूं. पलक 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 पलक, वो मुझे थोड़ा काम था. बट दैट्स शिवानी. शिवानी, ये पलक है. हेलो, नाइस टू मीट यू. शिवानी, पलक ना एक मिरेकल वर्कर. या अगर पलक नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता. ट्रस्ट मी. ओ, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट. इन गेस व्हाट, शिवानी भी फिजियोथेरेपिस्ट. You have found a replacement for me now. As a physiotherapist? No. No, 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 no. Shivani is just a very close friend of mine. Meri physiotherapist sirf tum hi raho. Baki, you have some more wine? Mujhe kuch kaam hai. Of course. Chalo. To, oh, upar gayi. Wahan par. Towards your left. Thank you. Well, are you sure कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है वॉशरूम में? हाँ? Having a good time, huh? डरा दिया यार तूने. Of course. मेरी बहन की engagement है और good time करूँगा. Seriously? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी कौन है, कहाँ है, कैसी है. ये सब मजाक है तुम्हारे लिए. नहीं यार, प्लीज थोड़ी तो रैम खाओ यार मेरे पे. नहीं जानना है मेरे को. मैं यहाँ पे उस लड़की के साथ हुकअप करने के चक्कर में हूँ, तुम लोग मेरी बीवी 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 कर रहे हो. ठीक है यार, बाहर में गई नहीं है यहाँ पर तो क्या हो सकता है. अभी तो समझाया मैंने. ऋत्विक को कोई और नहीं, वो पलक है. व्हाट?